हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ हमारे YouTube चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेत सीबीगंज बरेली में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 है, बायो मॉलिक्यूल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं जैव अणु, लेकर उपस्थित हुए हैं। तो इस वीडियो में हम आज जैव अणु या बायो मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स का फर्स्ट जो एग्जांपल है ग्लूकोज, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो टॉपिक है हमारा ग्लूकोज। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। बात करें ये कहां फाउंड होता है, तो ये फ्रीली भी मिलता है, मींस मुक्त अवस्था में भी हमें प्राप्त होता है, और साथ ही साथ कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है, कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है। कहां कहां मिलता है ये, तो ये जितने भी स्वीट फ्रूट्स हैं, स्वीट फ्रूट्स में मिलता है और हनी में मिलता है, और पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ये पदार्थ होता है। तो मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड भी होता है। बात करें इसके स्ट्रक्चर की, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ये हो गया, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो स्ट्रक्चर को जानने के लिए हमें बहुत सारे पॉइंट्स को पहले जानना जरूरी है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो, सबसे पहला इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत सारे प्रैक्टिकल किए गए तो उससे फाइंड हुआ इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H12O6 होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पता लग गया, लेकिन इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6 है, ये कैसे हम डिफाइन करें। तो उसके लिए जब ग्लूकोज की इसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड से, तो ग्लूकोज का फार्मूला CHO, अभी तो हमें नहीं पता है, केवल इसको ऐसे ही लिख लेते हैं CHO, CHOH का होल ऑफ 4 और CH2OH, ये इसका एक हमने फार्मूला मान लिया है। और इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं किससे, हाइड्रोजन आयोडाइड से, तब क्या मिलता है, यहां पर हमें हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराने पर नॉर्मल हेक्सेन यानी CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, CH2 और ये CH3, ये क्या हो गया, नॉर्मल हेक्सेन ये फाइंड होता है। तो इस रिएक्शन से ये प्रूफ हुआ कि जो ग्लूकोज है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 6। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट क्या था, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रूफ हो गए कितने होंगे, 6। बात करें थर्ड पॉइंट की, तो इसमें
कार्बोनिल, ये जो स्ट्रक्चर अभी हमने बना लिया है, तो इस स्ट्रक्चर से या जो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी ये है, तो इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप होता है। वो कैसे प्रूफ करेंगे? तो यहां पर प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कैसे प्रूफ करें कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है? तो उसके लिए क्या किया, इस CHOCHOH का होल ऑफ 4 CH2OH, इस ग्लूकोज की रिएक्शन कराई गई किससे? हाइड्रोक्सिल अमीन से। ये हाइड्रोक्सिल अमीन है, हाइड्रोक्सिल अमीन से। तो जब ग्लूकोज की रिएक्शन कराई गई हाइड्रोक्सिल अमीन से, तो फाइंड हुआ ऑक्सीजन CH, यहां पर CH C और ये CHOH का होल ऑफ 4 और ये CH2OH। क्या होता है, यहां पर जो एल्डिहाइड है वो चेंज हो जाता है ऑक्सीजन में। तो यहां पर क्या मिल जाएगा, एक तरफ तो ये NH से और दूसरी तरफ ये OH से बाउंड हो जाता है, और ये जो H है वो ऐसा का ऐसा ही, तो ये बन गया ऑक्सीजन। इसी तरह से जब ग्लूकोज की रिएक्शन कराई गई CHOH का होल 4 CH2OH, इसकी रिएक्शन कराई गई HCN हाइड्रोजन साइनाइड से, तब क्या मिलेगा, हाइड्रोजन साइनाइड। क्या मिलता है, ये एल्डिहाइड्स होते हैं, ये कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करने के बाद साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसे भी क्या करना चाहिए, साइनोहाइड्रिन बनाना चाहिए। तो क्या बनाएगा, ये CH और यहां पर CHOH का होल 4 CH2OH। तो क्या होता है, यहां पर ये CN एक तरफ CN और दूसरी तरफ ये OH, ये साइनोहाइड्रिन बन गया। तो इन दोनों रिएक्शन से ये प्रूफ हुआ कि इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड। तो ग्लूकोज के बनाने की विधियां, कैसे इसको हम बनाते हैं, तो पहला जो मेथड है वो है वाई स्टार्च। स्टार्च से हम कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, तो स्टार्च का फॉर्मूला होता है H10O5, ये स्टार्च होता है, और इसका होल N। इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस कराएं किससे, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस कराएं, तो हमें मिलता है NC6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज बनाने का
ये स्टार्च, ये जो मेथड है ये ग्लूकोज बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड भी है, मींस इससे बहुत बड़ी मात्रा में ग्लूकोज का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है बाय सुक्रोज, सुक्रोज से किस तरह से इस ग्लूकोज का निर्माण करेंगे, तो सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी बार है 12S22O11, ये सुक्रोज हो गया। सुक्रोज इसका भी जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, अब वो चाहे HCl ले सकते हैं या फिर H2SO4, इन दोनों में से कोई सा भी एसिड की प्रेजेंस में इस सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस जब कराते हैं तो हमें मिलता है ग्लूकोज C6H12O6। साथ ही साथ इसके अलावा हमें फ्रक्टोज भी फाइंड होता है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यही रहता है, मींस सेम होता है। तो यहां पर हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का ही मिश्रण मिक्सचर प्राप्त होता है। तो ये ग्लूकोज बनाने की विधियां हो गई। बात करें इनके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर को जानने के लिए सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स जानने होंगे। कौन कौन से भी पॉइंट्स हैं, पहला फर्स्ट पॉइंट है इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला यह होता है C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पाया गया बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद में। नेक्स्ट पॉइंट इसका, इस जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमें ये पता लग गया, अब इस ग्लूकोज में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो उसे कैसे प्रूफ करें, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसको प्रूफ करने के लिए क्या किया, इस ग्लूकोज जिसका फार्मूला CHO CHOH का होल 4 और ये CH2OH का जब हम रिएक्शन कराएं हाइड्रोजन आयोडाइड से, ये हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया, तब हमें नॉर्मल हेक्सेन जिसका फार्मूला होता है CH3 CH2 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 और CH3, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो गया नॉर्मल हेक्सेन। तो जब ग्लूकोज की हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराई गई तब नॉर्मल हेक्सेन फाइंड हुआ, जिससे प्रूफ होता है कि ग्लूकोज में कितने 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी होता है, तो प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप कैसे प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए दो यहां पर एक्सपेरिमेंट हैं। सबसे पहला इस ग्लूकोज की जिसका फार्मूला होता है CHO CHOH का होल ऑफ 4 और ये CH2OH, ये तो अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं हाइड्रोक्सिल एमीन,
ये रहा हाइड्रोक्सिल एमीन। इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऑक्सिम मिलता है, ग्लूकोज ऑक्सिम। क्या इसका फॉर्मूला होता है, तो यहां पर CHN और ये OH, यहां पर CHOH का होल ऑफ 4 और ये CH2OH, ये क्या है, ग्लूकोज ऑक्सिम। इसी तरह से नेक्स्ट जो रिएक्शन है CHOCHOH का होल ऑफ 4 CH2OH, इसकी रिएक्शन जब हाइड्रोजन साइनाइड जो होता है हाइड्रोजन साइनाइड इसके साथ कराते हैं तो जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साइनोहाइड्रिन। तो ये ग्लूकोज भी इस हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, साइनोहाइड्रिन ही बनाता है, जिसका फार्मूला है CH और ये CHOH का होल 4 CH2OH। यहां पर क्या होता है, ये CH तो ऐसा कैसा ही, ये OH के साथ और बचा ये CN, ये दूसरे, तो ये क्या बन गया, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो इन दोनों रिएक्शन से ये प्रूफ होता है कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब ये कार्बोनिल ग्रुप कीटोन होता है या एल्डिहाइड होता है, इसे प्रूफ करने के लिए हमें दूसरा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप कैसे इसे प्रूफ करेंगे कि इस ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जब ग्लूकोज की रिएक्शन कराएं, ग्लूकोज का फॉर्मूला CHO, CHOH का होल ऑफ 4 CH2OH, ये हो गया ग्लूकोज। इसकी रिएक्शन जब ब्रोमीन वाटर से कराते हैं, ये एक्वा सॉल्यूशन होता है, जब इसकी रिएक्शन होती है तो क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है और ये सेम रहेगा CHOH का होल ऑफ 4 और ये CH2OH, ये क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड। तो ये रिएक्शन प्रूफ करती है कि ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कैसे इसको प्रूफ करेंगे, तो जब ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला वही CHOH का होल ऑफ 4 और ये CH2OH, इसकी रिएक्शन हम कराएं एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसका फार्मूला होता है CH3COOCOCH3, ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। जब एसिटिक एनहाइड्राइड से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, ये जो पांचों हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो किसमें चेंज हो जाते हैं, इनका हाइड्रोजन एटम ये
बाहर आ जाता है और इस ये इतना ये और ये इनके साथ रिएक्ट कर लेता है। ये कितने 5 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं तो ये बन जाएगा CH3COOH। ये CH3COOH कितने 5। ये क्या बन गया एसिटिक एसिड। और अभी क्या बचा हुआ है यहां पर ये CHO ये CHO CHO और इधर क्या COCH3 का होल ऑफ 4। इधर CH2O और यहां पर COCH3। तो इसमें कौन सा ग्रुप आकर के अटैच हो गया एसिटिल। तो हम इसका नेम क्या हो जाएगा पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि यहां पर जो एसिटिल ग्रुप है वो कितने टाइम्स आ गया पहले यहां पर 5 टाइम हाइड्रोक्सिल समूह था अब 5 टाइम्स क्या आ गया एसिटिल आ गया तो इसका नेम हो गया पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। सिमिलरली अगर हम इसकी रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड जिसका फार्मूला CHOH का होल ऑफ 4 और ये CH2OH ये हो गया ग्लूकोज इसकी रिएक्शन करानी है किससे थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से। थायोनिल क्लोराइड तो क्या मिलेगा CHO ये CH और Cl यहां पर CH2Cl इसका होल ऑफ 5 ये क्या बन गया पेंटा क्लोरो ग्लूकोज। तो ये रिएक्शन भी क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो ग्लूकोज होता है उसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। कैसे इसे प्रूफ करेंगे तो जब इस ग्लूकोज जिसका फार्मूला क्या है CHOCHOH का होल ऑफ 4 CH2OH या तो ग्लूकोज ले लें या फिर ग्लूकोनिक एसिड इन दोनों का ही जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के द्वारा जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है ये किस में चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH और ये CHOH का होल ऑफ 4 और ये CHCOOH जिसे हम बोलते हैं सैकेरिक एसिड इसी तरह अगर हम इसके स्थान पर ग्लूकोनिक एसिड लें जो फार्मूला होता है COOH ये CHOH का होल ऑफ 4 और CH2OH इसका भी अगर हम डाइल्यूट HNO3 से ऑक्सीडेशन कराएं तो भी हमें क्या फाइंड होता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यानी सैकेरिक एसिड CHOH का
होल ऑफ टॉयज और ये सी ओ ओ एच, ये क्या बन गया? सैकेरिक एसिड। तो इतने सारे पॉइंट्स के आधार पर एक साइंटिस्ट है फिशर, उन्होंने इस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डिजाइन किया जिसे हम कहते हैं ओपन चैन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कैसे वो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है आइए देखते हैं। तो ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना है, 6 कार्बन एटम्स एक लाइन में ड्रॉ कर लेने, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसके बाद क्या करना है, इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप होता है तो कार्बोनिल ग्रुप के लिए डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। और ये कौन सा ग्रुप था, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के लिए हाइड्रोजन, ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। साथ ही साथ इसमें 5 क्या थे, हाइड्रोक्सी ग्रुप थे। तो यहां पर थर्ड नंबर के कार्बन एटम को छोड़ करके हमें सभी पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा देने हैं और हाइड्रोजन लगा देना है। फिफ्थ जो थर्ड कार्बन एटम है इस पर ये अरेंजमेंट कैसा होता है, ये अपोजिट होता है, यहां पर जो OH है वो इस साइड होता है और हाइड्रोजन इस साइड। फिशर ने जो अपना स्ट्रक्चर दिया था उसमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन को इस साइड, और इस लास्ट वाले कार्बन एटम को देखें तो यहां पर इसकी अभी बैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो ये 4। अब इसमें कार्बन एटम्स कितने हो गए, यहां पर 6। हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हाइड्रोजन हो गए 12। ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये इसका ओपन स्ट्रक्चर हो गया ग्लूकोज जिसे हम डी प्लस ग्लूकोज कहते हैं। डी क्यों, क्योंकि इसका एक अन्य नेम भी होता है डेक्सट्रोज कहते हैं। ये क्या करता है, इसके अरेंजमेंट को शो करता है। प्लस ये क्या इंडिकेट करता है, प्लस साइन यहां पर ये बताता है कि ये जो भी कंपाउंड है, हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था, स्टडी किया था कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, मींस ध्रुवित प्रकाश को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या करता है, ग्लूकोज उसको जो पोलराइज्ड लाइट है उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए प्लस साइन का यूज करते हैं। तो ये सिर्फ ये दिखा रहा है प्लस साइन कि ग्लूकोज इस जो भी पोलराइज्ड लाइट है उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है और ग्लूकोज, ये इसका ओपन चैन स्ट्रक्चर हो गया। तो आज की इस वीडियो में हमने ग्लूकोज के ओपन चैन स्ट्रक्चर और ग्लूकोज के फॉर्मेशन के मेथड्स और ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है कहाँ पाया जाता है इस बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।